पार्टी की भी सिंपैथी उनके साथ में है। सांसद महोदय, अगर गठबंधन में अभी तो है वीआईपी, बाहर हो जाएगा तभी तो, क्योंकि उससे पहले वीआईपी का वो या वो अपना रास्ता खुद छोड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते रह गई कि आप यूपी चुनाव मत लड़िए, माननीय जोगी जी का रास्ता आप मत रोकिए, ये रास्ता रोकने चले गए। मैंने भी मना किया था कि भाई आप मत जाइए, आप वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। ये बड़ी घोषणा करके यहाँ से गए थे कि हम 164 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और मैंने उस समय भी कहा था कि इनको 164 उम्मीदवार नहीं मिलेगा। तो उम्मीदवार कितना घोषित किए, 102। नॉमिनेशन कितना खारिज हुआ, तो 50। उम्मीदवारी में इनको वोट कितना मिला, तो 25 उम्मीदवार का जो मेरे पास डाटा है उसमें तो कोई 1000 पार नहीं किया। कुछ ही उम्मीदवार है जो मैक्सिमम, एक उम्मीदवार है जो 20,000 के आसपास में वोट पार किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार था जिसका टिकट कट गया था, तो वीआईपी से लड़ा दिए। वही एक इनका उम्मीदवार था जो 20,000 वोट लाया। बाकी जो भी 2-3 उम्मीदवार हैं वो 2,000-3,000 में सिमट गए। बाकी जितने उम्मीदवार थे सबका जो है 1,000 से नीचे था। किसान समाज को जाके जगहसाई के पत्र वहाँ कर दिए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ऑलरेडी निषाद पार्टी से बात चल रही थी, फिर निषाद पार्टी से गठबंधन भी हुआ, निषाद पार्टी का उम्मीदवार भी बढ़िया में जीता, उनको 15 टिकट मिला, 15 में 12 जीता। वो चुनाव तो जदयू भी लड़ी है, जदयू लड़े है तो हर आदमी का, जदयू तो मणिपुर में भी लड़ी है, वहाँ 6 सीट जीत के आई है। आपको गठबंधन का सीट जो 11 मिला था, और जिस तरह से ने आपने टिकट बंडल बांट में करोड़ों रुपया कमाया, तो समाज का भी सिंपैथी खत्म हो चुका है। चुनाव भी इनको 11 को सीट मिला तो जीते ही 4, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वोट पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलते जीते। इनमें वीआईपी का कोई योगदान नहीं नापा जा सकता। देखिए, जो 15 में जब ये विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय ये एनडीए के समर्थन में थे, माननीय अमित शाह जी के साथ इनका लगातार कार्यक्रम भी लगा था, लेकिन संयोग से सरकार नहीं बन पाई। 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये अपना पार्टी बना चुके थे। पार्टी बनाने के बाद ये शीर्ष नेतृत्व में बार बार दबाव दे रहे थे कि हमको 3 लोकसभा का सीट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है 2 सीट के लिए तैयार था, ये बोले कि 3 से कम नहीं लेंगे, और लास्ट में यूपीए में 3 सीट मिला तो ये यूटर्न मार के भाग गए यूपीए में। नतीजा क्या हुआ तो आप लोगों को मालूम ही है, जो मधुबनी सीट था ये 4,50,000 वोट से चुनाव हारे। मुजफ्फरपुर का पार्टी जो है 4,10,000 वोट से चुनाव हारा, अपने खुद जो है 2,70,000 वोट से चुनाव हारे। उसके बाद इनको लगा कि एनडीए में जो है हमारा जनाधार मजबूत नहीं हो सकता है, चूँकि निषाद जो वोट है वो स्टील भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, तो ये फिर भारतीय